सुमेरपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के क्रम में गुटखा और जर्दी की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी शहर में इनकी बिक्री अधिक दाम पर की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन ने हरकत में आते हुए 110 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग और पान मसाला के साथ गुटखा भी जब्त किया है। पालिका के ईओ योगेश आचार्य ने बताया कि जिला कलेक्टर ने रोक के बावजूद अधिक कीमत वसूल कर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य निरीक्षक विपिन देवल, कुलदीप मेहरा के साथ पालिका कर्मी विनोद चावरिया और मुकेश दत्ता की टीम होली चौक पहुंची और कमल जनरल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई। इसमें दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, 110 किलो और विभिन्न ब्रांड के पान मसाला और गुटखा के पाउच से भरे 4 छोटे और एक बड़ा प्लास्टिक बॉक्स जब्त किया गया। उसके द्वारा शहर के अंदर पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई और अवैध रूप से गुटखा और जो बिक रहा था उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई। इस जब्ती में 110 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के गुटखा और जर्दा जब्त किया गया जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 20 से 25 हजार की होगी और जिसके तहत जो प्रतिबंधित सामग्री थी राज्य सरकार ने अभी गुटखे और जर्दे के